हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे सात निश्चय पार्ट टू, यानी सेवन रिजॉल्व्स, जो कि हमारी बिहार गवर्नमेंट का प्लान फॉर डेवलपमेंट है, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सुशासन के जो कार्यक्रम होंगे 2020 से 2025 तक, उनके बारे में, द प्रोग्राम्स फॉर गुड गवर्नेंस। पिछले वीडियो में आवाज़ थोड़ी बहुत ही धीमी थी, इसलिए इसे दोबारा बनाना पड़ा। कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा पहला जो सेवन रिजॉल्व था, जो पहले सात निश्चय थे वो 2015 में आए थे, और उनका टारगेट 2021 तक पूरा करने की पूरी पूरी बिहार सरकार की कोशिश रहेगी। आइए देख लेते हैं पार्ट वन में क्या क्या टारगेट्स थे। इसमें हमने एक वीडियो भी बना रखा है जो लास्ट टू लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे में था, उसमें एक पूरा चैप्टर था सात निश्चय के ऊपर। उसका वीडियो आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च करेंगे सात निश्चय बीपीएससी एरुडिशन, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो पार्ट वन में था आर्थिक हल युवाओं का बल, सेकंड था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, उसके बाद हर घर बिजली लगातार, और फिर हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े आगे पढ़े अवसर बढ़े आगे पढ़े। इसमें बेसिकली युवाओं पे फोकस था, महिलाओं पे फोकस था, रोजगार पे फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रूरल अर्बन दोनों। अब पार्ट टू की बात करते हैं। ये जो है सात निश्चय पार्ट टू की बात, जो है इन्होंने अपने निश्चय पत्र में, यानी इलेक्शन से पहले भी, जेडीयू के जो आपका जेडीयू और बीजेपी जो एनडीए का आपका वो था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसमें भी ये था, उसमें निश्चय पत्र में था ये, जेडीयू के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो रहता है इनका जेडीयू का, उसमें भी ये था। उसमें क्या क्या था आइए देखते हैं। और अब ये लोग सेलेक्ट होंगे तो फिर उन्होंने सेवन निश्चय पार्ट टू पे काम करने के लिए एक वो भी बना दिया है, कैसे कैसे काम होगा देख लेते हैं। पहला है इनमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सेवन जो हैं, इनमें भी मेन फोकस यूथ वुमेन और उनका एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं सब पे मेन फोकस है। जो सेवन रिजॉल्व्स हैं पार्ट टू, या 2.0 कह लीजिए या 2.0 कह लीजिए, वो बेसिकली क्या है, सुशासन के कार्यक्रम, यानी प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस, जो कि एक मतलब तरह का डेवलपमेंट का प्लान तैयार करेंगे कैसे बिहार आगे फ्यूचर डेवलप्ड हो, और हमारे बिहार स्टेट को सेल्फ लैंड लाइन, यानी कि आत्मनिर्भर बिहार की तरफ एक शुरुआत है, आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर। इसमें फोकस किया गया यूथ को, हेल्थ को, इंफ्रा को, एम्प्लॉयमेंट को, वुमेन एम्पावरमेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप को। ये एक एक करके देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला निश्चय होगा वो होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें क्या है, हमारे जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना, और इसमें क्या है, जो आईटीआई के कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह हैं, उनमें जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाई लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि इन पर रिसर्च करेगा कि कैसे इनकी आईटीआई की, पॉलिटेक्निक की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, और जो जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन व्रोन बनाना, सोलर वगैरह, जो भी डिमांड में है इंडस्ट्री के, ओएफसी हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल, नेटवर्किंग हो गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, इवन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्योंकि अब देखिए हमने लास्ट निश्चय में था क्या, हर घर बिजली लगातार 24/7 सबको बिजली देनी है, हर गांव में हर घर में देनी है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, है ना, उसका मेंटेनेंस भी चाहिए। तो इन सब फील्ड में भी आईटीआई के बच्चों को बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसीलिए आईटीआई में सेंटर ऑफ हाई लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ताकि वो इन सब पर रिसर्च करे कैसे गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, कैसे क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाई जाए आईटीआई की पॉलिटेक्निक में। इसके अलावा बात की गई है मेगा स्किल सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा स्किल सेंटर होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, ये पॉइंट टू भी नोटेड है। ये क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा नई स्किल्स में, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, जैसे नई स्किल क्या, जैसे होगी अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग, अपने मतलब कपड़ा वपड़ा बनाने का, है ना, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर वगैरह, एसी वगैरह, इनका भी कैसे ठीक किया जाए रेफ्रिजरेटर्स को, है ना, अपने आईटीआई के बच्चों को ट्रेन दें, ताकि उनमें एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का भी क्रिएशन हो। इसमें बात की गई है लगभग 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएंगी, वो कि पब्लिक और प्राइवेट मिला करके, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिला करके। अब देखिए बात की गई है एक टूल रूम हर डिवीजन में, हर प्रमंडल लेवल पे जो है एक टूल रूम इस्टेब्लिश होगा। वो क्या करेगा, वहाँ पे जो है जो लेटेस्ट जो मशीन होगी, जितनी भी लेटेस्ट मशीन हैं हर फील्ड की, वहाँ पे वो रहेंगी। इसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बच्चों को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे जाके ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा जो 10th या 12th पास स्टूडेंट हैं, है ना, उनको मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ताकि उनकी स्किल डेवलप हो जाए, उनके लिए भी ये टूल रूम्स काम करेंगे।
और एक नया डिपार्टमेंट ही क्रिएट किया गया है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब एक नया ही डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे सेंट्रल में मिनिस्ट्रीज होती हैं उसी तरह स्टेट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट खोला जाएगा स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में, खोला जा चुका है और उस पर भी काम चल रहा है। अब 20 लाख गवर्नमेंट जॉब जनरेट होंगी, तो ये हमारा पहला निश्चय था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सेकेंड जो हमारा निश्चय है वो है सशक्त महिला सक्षम महिला, ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया है। इसमें ऐसा बोला गया है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेशल स्कीम होगी। अच्छा, जैसे मान लो कोई परियोजना है ना, कोई परियोजना अगर वुमेन वगैरह या सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह चलाते हैं, उसकी मतलब कितनी भी उसकी टोटल कॉस्ट आती है, उसका 50% जो है ग्रांट में मिलेगा, मैक्सिमम टू 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपये तक का ग्रांट अनुदान टाइप का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, या फिर 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की हायर एजुकेशन पे फोकस किया गया है, जो भी बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं होती और वो अगर क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट पास करती हैं, तो उनको 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की तरफ से अनमैरिड वुमेन को दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वो ग्रेजुएशन कर लेती हैं और उनकी शादी नहीं होती, तो उनको लगभग 50,000 रुपये दिया जाएगा, ताकि वुमेन का हायर एजुकेशन में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके अलावा जो है वुमेन का जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ब्लॉक लेवल पर मंडल लेवल हर जगह वुमेन को हमारे 33% रिजर्वेशन है, तो इसी तरह वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये हो गया हमारा सेकंड सशक्त महिला सक्षम महिला। जो हमारा तीसरा निश्चय है, हर खेत सिंचाई का पानी, इसमें इरिगेशन फैसिलिटी इरिगेटेड वाटर दी जाएगी हर फार्म में, मतलब हर खेत में, एवरी बाय एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब वहाँ पे सोलर पंप लगाया जाए, चाहे डीजल पंप लगाया जाए, या नहर नई बनवाई जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन हमारे हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा, मतलब इरिगेटेड वाटर हमारे हर खेत तक पहुँचना चाहिए। ये हमारी थर्ड निश्चय है हमारे बिहार सरकार का। ये सारे निश्चय 2020 से 25 तक हमें कंप्लीट करने हैं। अब हमारा जो चौथा निश्चय है वो है स्वच्छ शहर विकसित शहर। ये बेसिकली हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसमें क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए कई सारे प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे। और जो हमारे ओल्ड हैं, ओल्ड एज हैं, हमने देखा था ना हमारे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके बताइए हमारे यहाँ बिहार में डिपेंडेंसी कितनी कितने परसेंट है। तो एल्डरलीस के लिए जो है शेल्टर बनाया जाएगा। उसके अलावा जो अर्बन पुअर्स हैं, हमारे जो शहरी गरीब लोग हैं, उनके लिए मल्टी स्टोरी घर बनाया जाएगा, ताकि उन्हें रहने के लिए मिल सके, क्योंकि पुअर और होमलेस हैं अर्बन पुअर, उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी भी है, उसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट भी अपना मल्टी स्टोरी हाउसिंग बनाएगी अर्बन पुअर्स के लिए। ये हमारा चौथा निश्चय है। इसके अलावा मोक्षधाम का कंस्ट्रक्शन, देखिए जब लोग मर जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उन्हें क्या किया जाता है, जलाया जाता है हमारी जो पवित्र नदियाँ उनके किनारे, तो इसके लिए भी एक अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शव ग्रह होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से दाह संस्कार होगा। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा बहुत पॉल्यूशन वॉल्यूशन कम होगा, इंपॉर्टेंट रिवर घाट जो होंगे वो सुधरेंगे। इसके अलावा जो स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किया जाएगा हर सिटी में, देखिए हमारे कभी कभार बाढ़ आ जाती है ना, तो वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है शहरों में, सड़कों पे पानी भर जाता है, तो इसलिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जाएगा हर शहर में, ताकि वाटर लॉगिंग की कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारा चौथा निश्चय, स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब जो है हमारा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये मतलब पांचवा जो निश्चय है उसमें है रूरल डेवलपमेंट, और फोकस कहाँ पे, हमारे विलेज पे, हमारे सारे विलेज में सोलर स्ट्रीट लाइट दी जाएंगी, है ना। सोलर स्ट्रीट लाइट आपने देखी होगी अपने गाँव में, 100 100 मीटर पे, 200 200 मीटर पे, क्या है, एक खंभा गड़ा रहता है और लाइट लिए तो ऊपर सोलर की प्लेट लगी रहती है, अक्सर रूरल एरिया में हर जगह यहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई है, तो हमारे हर एक विलेज को सोलर स्ट्रीट लाइट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वेस्ट टू एनर्जी है ना, वहाँ पे भी ताकि लोगों की आमदनी हो। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा, यानी मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब डेवलप किया, ताकि लोगों का इनकम ऑगमेंटेशन हो जा सके, इनकम बढ़ाई जा सके। हमारा क्या है, 2022 तक फार्मर्स की आय को दुगनी करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है, तो उसी तर्ज पे यहाँ पे भी एनिमल हस्बेंड्री करा करके ये
स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव समृद्ध कैसे होगा, पहले गांव को स्वच्छ बनाना फिर समृद्ध भी बनाना है। इसके अलावा जो हमारे पुराने प्लान्स वगैरह हैं, डिसीजन वगैरह हैं, उनका भी जो कार्य चल रहा है उसको अच्छे से किया जाएगा, और जो कार्य हो चुका है उसका अच्छे से मेंटेनेंस किया जाएगा। ये हो गया हमारा पाँचवा निश्चय। आइए देखते हैं छठा निश्चय क्या है। छठा निश्चय है सुलभ संपर्कता। बेसिकली ये कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, सुलभ संपर्कता मतलब अच्छे से कनेक्टिविटी हो। अब कनेक्टिविटी किसकी, रूरल रोड्स की ना, ये तो क्या रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, ग्रामीण पथ। ग्रामीण जो पथ होते हैं वो बेसिकली गांव को कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, वो गांव को आपके अनुमंडल से जोड़ देंगे, है ना, जो बाज़ार मेन बाज़ार वगैरह है ना, ब्लॉक हो गया है ना, इन सबसे जोड़ देंगे, प्रखंड हो गया, इन सबको जोड़ देंगे। और इसके अलावा स्टेट हाईवे से जोड़ेंगे गाँवों को, और नेशनल हाईवे से भी जोड़ेंगे, मेन मेन इंपॉर्टेंट एरिया से ग्रामीण पथ जो है आपके गाँवों को जोड़ेंगे। इसके अलावा अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, है ना, जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसके लिए बाईपास का कंस्ट्रक्शन होगा, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन होगा, शहर के अंदर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन होगा, और जो शहर के बाहर बाहर, मान लीजिए किसी को पटना से मान लीजिए सिलीगुड़ी जाना है तो बाहर बाहर बाईपास होते हुए वो चला जाए, शहर में एंटर ना करे, रास्ते में जितने भी शहर पड़ते हो, ताकि वो बाईपास आप तो बिना किसी भीड़ भाड़ के आपको पहुँचा सके। जो कि हमारी छठा निश्चय क्या था, सुलभ संपर्कता। अब जो है हमारा सातवां निश्चय है, जो हमारा पार्ट टू का आखिरी निश्चय है, उसमें यह है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक अरेंजमेंट एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट का, सबके लिए में इंसान भी आ रहे हैं और जानवर भी आ रहे हैं, तो जानवरों का भी हेल्थ मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। और इसके लिए क्या है, डोर स्टेप सर्विस हो, किसकी मदद से, कॉल सेंटर की मदद से और मोबाइल ऐप की मदद से, मतलब जानवरों भी बीमार पड़ते हैं तो उनकी भी अच्छी देखभाल हो, उनका बेटर हेल्थ मैनेजमेंट हो, और डोर स्टेप सर्विस हो, कॉल सेंटर की मदद से और मोबाइल ऐप की मदद से। बेसिकली जानवरों के लिए भी ये डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, उन्हें भी देखिए, पशुधन अगर आपका बढ़िया होगा तो आपकी इनकम ऐसे ही बढ़ेगी। ये ओवरऑल डेवलपमेंट का ही ये जो निश्चय है, किस चीज़ के निश्चय हैं, निश्चय है बिहार को डेवलप करने के। अब देखिए, बेटर अवेलेबिलिटी फॉर हेल्थ ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज टू द पीपल फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब गाँव, हर एक गाँव के आदमी को अच्छी से अच्छी हेल्थ सुविधा मिले। वो कैसे देंगे, ये जो गया आपका PHC हो गया, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और इनको जोड़ देंगे किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब में क्या है बेटर फैसिलिटीज़ किएंगे, जैसे जहाँ कहीं एक्सरे मशीन नहीं तो एक्सरे मशीन लगवाएं, या जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ डॉक्टरों की भर्ती हो, है ना, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हो, आशा बहन जी लोगों की भर्ती हो, है ना, उनको बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाए, तो इस तरह हर गाँव में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ हों। इसके अलावा यहाँ पर टेली मेडिसिन का यूज़ होगा, है ना, मान लीजिए पटना के में डॉक्टर बैठा है, वो किसी गाँव में बैठे आदमी को छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं उनके लिए टेली मेडिसिन की सुविधा से उसे देख ले, डिजिटल हेल्थ पर फोकस है। इसके अलावा कोविड वैक्सीन वगैरह सबको मिलेगी, है ना, ये भी बताया गया था फ्री में। ये हमारे सात निश्चय हो गए। अच्छा, अब सात निश्चय को मॉनिटर कौन करेगा, अब सात निश्चय तो हमने बना लिए, अब इन निश्चयों ऐसा है ना कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कोई देखने वाला भी तो चाहिए। तो जो पुराना सात निश्चय था, जो 2015 से 2015 ऑनवर्ड्स था, सात निश्चय पार्ट वन, उसको देखने के लिए बिहार विकास मिशन क्रिएट किया गया था, मतलब बिहार विकास मिशन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सात निश्चय का इम्प्लीमेंटेशन भी देखेगा। अब ये बिहार विकास मिशन है क्या, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कॉन्स्टिट्यूट किया था बिहार विकास मिशन, इसे क्या एज अ सोसाइटी रजिस्टर किया था अंडर प्रोविजन ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ताकि जितने भी हमारी स्कीम्स हैं, है ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन ये ओवरसी कर सके और मिशन मोड में, है ना, और क्या प्रायोरिटीज फिक्स करनी है वो प्रायोरिटी फिक्स करे, है ना, अचीवमेंट क्या अचीवमेंट हुआ उसको मॉनिटर करे, मतलब कितना टारगेट हमने रखा था कितना अचीव हुआ, ये सब मॉनिटर करे, और बीच बीच में अपने इनपुट्स भी दे कि भैया और कैसे बेहतर किया जा सकता है, लर्न करे, है ना, पिछले अपने एक्सपीरियंस से। इसके अलावा जो सेवन रिजॉल्व हमारा सात निश्चय जो था डेवलप बिहार के लिए, उसको भी ये ओवरसी करे, मॉनिटर करे, और एग्री रोड मैप जो हमने एग्री रोड मैप का भी वीडियो है आप देख लेंगे, है ना, क्योंकि वो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिशन मानव विकास हो गया, इंफ्रा डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई, इन सबको मॉनिटर करेगा कौन, बिहार विकास मिशन। ये देखिए, ये बेसिकली एक पेपर कटिंग है, वो लगा दी आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसमें वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताई हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।